समय रिजल्ट आ रहा था, 1:30 बजे प्रेस बुलाई और 1:30 बजे प्रेस बुलाकर क्या कह दिया, उस समय किसी भी देश के नेता ने प्रेस नहीं बुलाई थी, केवल मान्य बहिनी ने प्रेस बुलाई और प्रेस बुलाकर यह कह दिया कि ईवीएम में घोटाला हो गया। आज ऐसे नेता का जन्मदिन है। और साथियों मान्या बहिनी, ईवीएम को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, हर जिला हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार किसकी थी इन लोगों ने सुना नहीं। फिर मान्या बहन जी ईवीएम को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश हुआ कि अब जब चुनाव होगा तो ईवीएम के साथ वीवीपीएटी पैड की एक मशीन लगेगी। वीवीपीएटी पैड की एक मशीन लगेगी और साथियों जब वीवीपीएटी पैड के साथ जब मशीन लगी और प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर चुनाव हो गया और आप लोगों ने यह भी देखा, क्योंकि जो परम पूज बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पुष्कर साहब जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय टीवी सिंह जी, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, जिस समय रिजल्ट आ रहा था 1:30 बजे प्रेस बुलाई और 1:30 बजे प्रेस बुलाकर क्या कह दिया, उस समय किसी भी देश के नेता ने प्रेस नहीं बुलाई थी, केवल मान्य बहिनी ने प्रेस बुलाई और प्रेस बुलाकर यह कह दिया कि ईवीएम में घोटाला हो गया। आज ऐसे नेता का जन्मदिन है। और साथियों मान्य बहिनी, ईवीएम को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, हर जिला हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार किसकी थी इन लोगों ने सुना नहीं। फिर मान्य बहन जी ईवीएम को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश हुआ कि अब जब चुनाव होगा तो ईवीएम के साथ वीवीपीएटी पैड की एक मशीन लगेगी। वीवीपीएटी पैड की एक मशीन लगेगी और साथियों जब वीवीपीएटी पैड के साथ जब मशीन लगी और प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर चुनाव हो गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।